हेलो दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सर्टिन स्टडी मटेरियल में और यहां पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहां पर देखिए सी एस सेकेंड यानी कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड और यहां पर देखिए आज हम क्या करेंगे सॉल्व पेपर फाइव को कवर करेंगे एकदम डिटेल्स में और देखिए अभी तक हम क्या करें हैं यहाँ पर अभी तक देखिए मॉडल पेपर वन टू फोर को हम कवर कर चुके हैं तो जो भी स्टूडेंट अभी देखिए वन टू फोर को एकदम नहीं देखे हैं देखिए जाकर देखिए जिस प्रकार से हमने बताया है जो आपके एग्जाम में आया है वो भी और जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया उसको भी आपको देखना है एकदम ईमानदारी के साथ क्योंकि देखिए हम यहां पर जिस प्रकार से बताएं हैं, अभी आपको इसमें भी बताएंगे तो उस प्रकार से आपको एकदम ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करना है और देखिए अभी तक जो भी स्टूडेंट यहां पर देखिए एफबी पेज को फॉलो नहीं किए हैं देखिए एफबी पेज पर ज्वाइन नहीं हुए वो भी क्या करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी से क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जब आप देखिए आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनली आपको वहां पर वो मिल जाएगा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना भी देखिए आपका कुछ भी अगर आप नहीं पढ़ें आपको वहीं पर आप जाकर उसको एकदम वॉच करेंगे हर एक वीडियो को तो हंड्रेड परसेंट आपको एकदम पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स गेन करेंगे अब हम चलते हैं यहां पर देखिए आज का टॉपिक जो है तो यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर हमारा यहाँ पर देखिए फिफ्थ है फोर्थ तक हम यहाँ कवर कर चुके हैं प्ले लिस्ट देखिए प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है यहाँ पर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पैसेज में भी पूछ लेता है और आपका अलग से भी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में लिखने को आ जाता है तो ये देखिए आपका बहुत एक एक नंबर करके आपको पूरा का पूरा आपको एकदम देखिए आपको अच्छे मार्क्स गेन करा देता है क्योंकि देखिए दो मार्क्स आपके एंटोनिम्स के दो दो मार्क्स आपके सिनोनिम्स के और आपका पैसेज में भी एक दो मार्क्स का आपका पूछ लिया जाता है टोटल आप फाइव से सिक्स मार्क्स आप से आपको गेन हो सकता है देखिए पाँच मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज और देखिए पाँच जो बचेंगे उसको हम क्या करेंगे टेन ईयर्स का आप मॉडल पेपर हम जितना भी है उसको बता देंगे जिस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको पूरा बता देंगे उससे बार आपका नहीं आएगा बस आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी देखिए जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कैलोस जो है आपका कैल यहाँ पर तो इसका क्या मीन्स होता है सबसे पहला एंटोनिम्स में यही पूछा गया था आपका देखिए पहले एंटोनिम्स उसके जस्ट आपका सिनोनिम्स पूछा जाता है ठीक है तो देखिए एंटोनिय में आपका कैलोस पूछा गया था तो इसका क्या मीन्स होता है देखिए कठोर कोई भी हार्ड चीज़ जो होता है इसका मीन्स इसी से रिलेटेड होता है यानी इसका पूरा का पूरा जो मीन है वो क्या है कठोर अब जब इसका मीन कठोर है तो यहाँ पर हमको इसका जस्ट अपोजिट बताना है तो अपोजिट जब हार्ड का क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसका एक सॉफ्ट uh, एक प्रकार से देखिए यहाँ पर सी आप बोलते हैं क्या बोलते हैं सी ठीक है बट यहाँ पर देखिए हम सी को नहीं लिख कर यहाँ पर एस को लिखें दोनों का मीन्स देखिए एक प्रकार से सेम निकलता है तो यहाँ पर हम क्या किए हैं सी ए पल ठीक है सी एफ एल तो ये हमारा क्या हो गया एक प्रकार से ट्रिक हो गया इसको आप इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि जो हमारा क्या होता है जब भी क्या होता है एक प्रकार से आपकी जो कि यहाँ पर कैलस जो है ये किससे बना हुआ है ये आपका कॉल से बना हुआ है ठीक है या आप ए भी सक कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए सी एफ एल भी क्या है ये आप, आपका कॉल से क्रिएट हुआ है एक वर्ड जो कॉल है ठीक है तो कॉल जब आप किसी की भी आपकी फ्रेंड की आती है तो क्या होता है जो लाइट होती है वो ओपन हो जाती है एक प्रकार से लाइटिंग चल जाती है ठीक है एक प्रकार से जल जाता है यहाँ पर देखिए सी एफ एल का भी काम क्या होता है सी एफ एल का भी क्या होता है जलने का काम होता है लाइट प्रोवाइड करने का काम होता है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए एस का क्या मीन है सॉफ्ट ई का क्या मीन है इलास्टिक और एफ़ का क्या मीन्स है फ्लूड और यहाँ पर देखिए जो एल है उसका मीन्स क्या है लिक्विड तो ये सभी एकदम देखिए इसके जस्ट अपोजिट वर्ड हैं जो आपको इसको याद रखना है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की भी देखिए सिनोनिम्स पूछा नहीं गया था बट यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर आपका कुछ भी पूछा जा सकता है इस बार देखिए मान लीजिए आपका एंटोनिम्स पूछा गया था आपका जो आने वाला जो एग्ज़ाम आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हो सकता है आपका बी टी यू पी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका हो सकता है कि सिनोनिम्स पूछा जा सके ठीक है तो इस प्रकार से आपको दोनों चीज़ यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको सभी चीज़ें एकदम देखिए आपको छोड़नी नहीं है कोई भी चीज़ें सभी चीज़ें आपको करके आनी है अब यहाँ पर देखिए हार्ड था तो जस्ट यहाँ पर कठोर का मतलब क्या होता है हार्ड होता है आप सॉलिड लिख सकते हैं तभी तो हार्ड होगा कॉम्पैक्ट लिख सकते हैं पर आप कॉम्पैक्ट भी इसी का जस्ट क्या है सिनोनिम से फर्म लिख सकते हैं अन ईल्डिंग लिख सकते हैं इल्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा अनइल्डिंग आप लिख देंगे ये आप ईल्डिंग पढ़े भी होंगे इल्ड स्टैंड ठीक है तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं आप आपको रिलेट करिए आपको माइंड एकदम हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए एक वर्ड है बस्टल इसका भी क्या मीन्स है यहाँ पर देखिए इसका होता है हलचल शोरगुल ठीक है तो यहां पर इसका देखिए एंटोन की अगर हम बात करें तो आइडलनेस लिख देंगे काल्म लिख देंगे शांति और यहां पर क्वेट लिख लिख देंगे आपको यहां पर आपका लिख देंगे आपको पर कूलनेस ये सभी इसके जस्ट अपोजिट वर्ड हैं ठीक है थीके? तो इसको भी आप लिख देंगे ये आपका क्या है यहां पर देखिए जो आपके एग्जाम में लिखा हुआ था ये आपका क्वेट लिखा हुआ था तो इसको आप इसको भी याद रखेंगे तो जनरली देखिए सभी को क्वेट जो है ये आपको याद होगा अब हम बात करते सारी चीजें यहां पर देखिए जो है ये क्या हो जाएंगी जस्ट इसकी देखिए यहां पर देखिए अपोजिट वर्ड हो जाएंगे यहां पर देखिए जो क्वेट यहां पर स्पेलिंग देख लीजिए एक मिनट यहां पर देखिए ये आप लिख देंगे ठीक है यहां पर देखिए थोड़ा यहां पर गलती हो गई है तो क्वेट आप की यू आई ई टी आप लिख देंगे ये आपका जस्ट अपोजिट आप वर्ड हो जाएगा ठीक है एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए यहां पर सिनोनिम्स पूछा गया है और सिनोनिम्स यहां पर देखिए आप इसका देखिए अगर सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स तो यहाँ पर सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं नॉइज ठीक है शोरगुल यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स का व, पूछा गया है क्वेश्चन तो सिनोनिम्स का यहाँ पर अगर, अगर हम बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड जो है डेंटी यहाँ पर देखिए डेंटी का क्या मीन्स होता है यहाँ पर देखिए इसका मीन्स होता है सिस्ट या सुंदरता ठीक है एक प्रकार से सुंदर बोल सकते हैं तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है सिटी सिटी डेंटी यानी कि सिटी ठीक है डेंटी को कोरिलेट करिए सिटी से तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सिटी एक क्या है एक प्रकार से ट्रिक है यहाँ पर सी का जो मीन से क्या है चॉइस एक प्रकार से चॉइस कब होगी जब हमारे एक प्रकार से अच्छी मतलब कोई भी चीज़ को हम चॉइस करेंगे तो अच्छा ही होगा ठीक है तो आप सुंदर एक प्रकार से किसी भी चॉइस करेंगे कोई भी चीज़ को किसी भी थिंग्स को तो आप अच्छी चीज़ चॉइस करेंगे तो इसी प्रकार से आप इसको शिस्ट या सुंदर आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेस्टी लिख सकते हैं किस कोई भी चीज़ जब आपको अच्छी लगेगी तभी तो वो इसको टेस्टी बोला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये हो गया आप देखिए एग्जाम में जो आपका आपका जो लिखा हुआ था वर्ड वो था एलिजेंट यहाँ पर देखिए इलीजेंट यहाँ पर वर्ड है एक इलीजेंट ठीक है इलीजेंट तो ये क्या है इसका ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अब हम बात करते हैं इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो डर्टी लिख देंगे नेस्टी लिख देंगे ग्रीडी लिख देंगे और ओमनी भी आप लिख सकते हैं ये बहुत दूर का इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बट ए भी आपका एंटोनिम्स हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड वर्ड है आपका कॉन्ट्रेरी यहाँ पर देखिए ये एंड सेकेंड एंड लास्ट वर्ड है आपका सिनोनिम्स का यहाँ पर देखिए इसका मीन्स होता है विरोध अब विरोध होता है तो सिनोनिम्स आप जस्ट आप लिख सकते हैं इसको ठीक है डिसिमिलर लिख सकते हैं सिनोनिम्स uh, में ठीक है अपोजिट लिख सकते हैं अपोजिशन एक प्रकार से ठीक है उसी से बना हुआ है वर्ड है आप एंटोनिस में क्या लिखेंगे जैसे इसका अपोजिट कर दीजिए डिसिमिलर का सिमिलर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आप एलाइक भी लिख सकते हैं तो ये सारे के सारा आपका देखिए जो एंटोनियम्स एंड च्यूनोनियम्स का जो टॉपिक था ये कवर हो गया है मॉडल पेपर फिफ्थ का अब यहाँ पर आपको फिफ्थ तक कंप्लीट करा दिया गया है अब हम बात करेंगे आपका सिक्स यहाँ पर देखिए सिक्स टू टेंथ यहाँ पर हम बहुत जल्दी इसको एक दो दिन में कवर कर देंगे दो से दोस्तों ती, दो तीन दिन में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे देखिए आपका अभी इसको देखिए आपको ये भी मिलेगा और नेक्स्ट आपको वीडियो भी मिलेगा अलग टॉपिक का तो उसको भी आप लोग एकदम देखेंगे अब भी पेज को देखिए एकदम ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो तो आपको वहाँ पे हर एक, एक, एक आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा टॉपिक आपको मिलेगा आपको देखिए एक प्रकार से श्योर रहता है कि आपको वही चीज़ आना है हंड्रेड परसेंट तो वही चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पर तो उसको एकदम देखिए ज्वाइन कर लेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी और देखिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन है जो नए स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे पीडीएफ वहीं पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में